आज हमारे सामने खड़ी है डोमिनार 400। वन बाय वन करके अपन इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। सबसे पहले भाई एक वॉक राउंड तो बनता है। ये डोमिनार 400 है, इसके अंदर दो वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक डोमिनार 250, एक डोमिनार 400। ये जो वेरिएंट है ये 400 है, 250 अभी कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये 400 है, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैं पांच ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको 2024 के अंदर ये बाय करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस की, वो है इसका 280,000 इन जयपुर। स्टेट टू स्टेट वेरी करती है प्राइस, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी, 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। सो अभी बात करते हैं भाई पाँच ऐसे रीजंस की जिससे आपको 2024 के अंदर ये बाय करनी चाहिए। सो पहला रीज़न जो है वो है भाई इसका रियर व्यू मिरर, ठीक है। सो फर्स्ट रीज़न जो है वो है इसका रियर व्यू मिरर, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, डिसेंट क्वालिटी के देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। जो इस सेगमेंट्स की जो बाइक है 400 सीसी की, ठीक है, उस सेगमेंट से तो काफ़ी फार बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल भी 160-170 के आप जब टॉप स्पीड अचीव कर रहे होंगे इस बाइक पे, सो ये जाती भी उतनी है, सो जब आप अचीव कर रहे होंगे तो बिल्कुल भी शेक ही नहीं है मिरर्स, ठीक है, बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है मिरर्स में बिल्कुल भी, और आपको एकदम जिसे कहते हैं ना स्टेबल रहेंगे टॉप स्पीड्स पे भी। जो क्वालिटी है मिरर्स की बहुत ही शानदार है, ठीक है। 5 में से 5 रेटिंग देना चाहूँगा मैं इन मिरर्स को, क्योंकि मिरर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी बात करता हूँ भाई दूसरी चीज़ की, वो है इसका हेडलाइट, ठीक है। सो हेडलाइट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उनकी हेडलाइट्स इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट जो डोमिनार 400 की हेडलाइट्स हैं भाई, सच बता रहा हूँ, इसका थ्रो इतना तेज है, इतना अच्छा है, आपको नाइट्स के अंदर बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा लाइट्स भी इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसकी एक सिंगल लाइट ही बहुत ही फार बेटर है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी अननेसेसरी कोई मतलब कि बाहर से आफ्टर मार्केट लाइट लगवाने की इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार आपको इसकी फ्रंट लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका थ्रो आपको 500 से 700 मीटर तक देखने के लिए, 500 से 700 मीटर्स तक का देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि डोमिनार जैसी हेडलाइट भाई मैं तो प्रेफर करता हूँ कि हर गाड़ी में हो, हर गाड़ी में तो नहीं मतलब इस सेगमेंट की हर गाड़ी में हो, क्योंकि और भी इसकी सेगमेंट की गाड़ियाँ जैसे KTM की है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर्टिकुलर मैं KTM को ही नहीं बोलूँगा, बट और भी बहुत सारी गाड़ियाँ जिनको अपनी हेडलाइट सुधारने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। बाकी 400 डोमिनार ड्यूक है ना, इनका तो बहुत ही अच्छी हेडलाइट है वैसे तो, ठीक है। अभी बात करता हूँ भाई एक और तीसरी चीज़ की, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट, ठीक है। सो गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नोट है ना, मैं सच बता रहा हूँ, एग्जॉस्ट नोट बहुत ही शानदार है इसका। डुअल एग्जॉस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ड्यूक 250 जो डोमिनार D4 250 आती है उसमें भी आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, इसके अंदर भी ड्यूअल एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बेसी साउंड है एकदम, ठीक है, जैसे RS की है ना कम्प्लीटली, तो RS की तो 200 cc की साउंड है तो वो उसी हिसाब से साउंड करती है, बट इसका थोड़ा सा और हैवी साउंड है, ठीक है, और बल्कि साउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा गाड़ी है ना बल्कि एकदम, ठीक है, हैवी है, हैवी लगती है बहुत देखने से, वैसे ही आपको सेम एज इट इज़ जो इसका साउंड है वो देखने के लिए मिलेगा। साउंड काफ़ी फार बेटर है और गाड़ियों से, ठीक है। तीन चीज़ों की बात कर ली, अभी बात करता हूँ एक फोर्थ चीज़ की, ठीक है, वो है इसका भाई, इसका बेस्ट बाइक है भाई ये ट्रैवलिंग के लिए, बेस्ट जिसे कहते हैं ना बेस्ट, बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगा, ठीक है, हिप्स के अंदर, बैक के अंदर, लोअर बैक के अंदर, ठीक है, आपके एल्बोज़ के अंदर, आपके शोल्डर्स के अंदर, आप कितने भी लंबी राइड्स मार लो इस पर, बस आपको वो तो है ही, थोड़ा बहुत तो आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा बीच बीच में, बट भाई सच बता रहा हूँ इसका जो कंफर्ट है ना गाड़ी का बहुत ही शानदार है, हैंडलिंग कंफर्ट, ठीक है, आप सडन मतलब कि बहुत अच्छी है गाड़ी, ठीक है, कंफर्ट के मामले के अंदर तो आप ऑफ रोड कर लो इससे, ऑन रोड कर लो, काफ़ी लोग लेके भी जाते हैं, बट और जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बट इसके अंदर भाई कंपनी एसेसरीज ही इतनी लोड करके देती है कि ये ट्रैवलिंग गाड़ी टाइप ही बन जाती है पूरी। यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर सकते हैं, पीछे आपको बैक रेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए बैक रेस्ट, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कंपनी इंस्टॉल करके देती है, जो ये हाई विंडशील्ड है ये, जिससे आपका जो मतलब कि एरोडाइनमिक्स है वो और सही रहे और आपको सीधा विंड ब्लास्ट नहीं आए चेस्ट के ऊपर, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देती है, जैसे ये है इनका पता नहीं क्या बोलते हैं, बट काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, बाइकिंग के अंदर तो काफ़ी बहुत ही शानदार है, ट्रैवलिंग के हिसाब से बहुत बेस्ट गाड़ी है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, ये गाड़ी। और अब एक लास्ट चीज़ की बात करता हूँ मैं, वो है इसका वैल्यू फॉर मनी होना, क्योंकि भाई 280,000 में आपको ऑन रोड पड़ जाती है, ये आपके घर आ जाएगी 280,000 में, ठीक है, जयपुर के अंदर। स्टेट टू स्टेट वेरी करती है प्राइस, हर जगह डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी, 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बट अच्छी चीज़ ये है कि भाई वैल्यू फॉर मनी बाइक है, 280,000 में आपको काफ़ी भाई चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, डुअल चैनल ABS और इतना अच्छा इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो लाइट्स का थ्रो है वो भी बहुत शानदार है,
सो काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर। सो जो वैल्यू फॉर मनी है ना बाइक, वो तो भाई मैं कहूँगा इसको है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियस ही बात है 2,80,000 भाई बहुत ही डिसेंट सा प्राइस है एक, ठीक है। और बाइक्स आप देख लो जाके अभी इस सेगमेंट की बहुत ज़्यादा हाइयर है इन प्राइस के अंदर, बट ये प्राइस आपको डिसेंट आपको यहाँ पे 2,80,000 के अंदर बजाज की जो है वो वैल्यू बना के देती है। और आपको पता है बजाज का जो लोहा है वो कितना रिलायबल है, कितना मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो बजाज का चैसिस वगैरह है, भले ही मैं मानता हूँ बाइक थोड़ी बल्की है बट काफ़ी अच्छी है ट्रैवलिंग के हिसाब से, LED लाइट्स इसकी बहुत शानदार है, ठीक है। और वैल्यू फॉर मनी बाइक है, रियर व्यूज़ के ये रियर मिरर जो है ये भी काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो पांच ऐसी चीज़ें मैंने बताई जिससे आपको 2024 के अंदर ही बाय करनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है ना तो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखा है।